वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। ने हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है सैटरडे एंड वी आर एट वॉलमार्ट। मैं शर्मा जी को देख रही हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे यहाँ पे उतार दिया, कहते मैं पार्क करके आता हूँ। सो कल यहाँ पे है ईस्टर। सो दूध ख़त्म हो रहा था, हमें अर्जेंट आना पड़ा। फिर कहीं दूध ना मिले डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना बंद रहते हैं स्टोर। कभी कभी तो ये हाफ डे के लिए खोल देते हैं, कभी कभी नहीं भी खोलते, बट रिस्क नहीं लेना। बच्चों वाले घर में दूध बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमारी अनाया को दूध पीना पसंद है। शर्मा जी आ रहे हैं। अब मुझे बोलेंगे इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो, चलती हूँ अंदर। चलिए जी, शर्मा जी भी आ गए, ले लीजिए कपड़ा ही कपड़ा, फ्रंट पे कपड़ा लगा देते हैं। अरे रे, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। पहले दूध वाले सेक्शन में चलते हैं ना सीधा। आटा मैगी सस्ती, ये वाला ले लेती हूँ, रेड वाला है ना, रेड वाला ये है। अरे रे, हैवी है, शुगर 0 ग्राम, प्लेन योगर्ट, ये भी प्लेन ही है। भेलपुरी आरब की फेवरेट, 50-50। ब्रेड वाले सेक्शन में चलते हैं। अब ना इन्होंने इधर रखनी शुरू कर दी होल व्हीट, पहले उधर रखते थे अब यहाँ पे। शर्मा जी कहाँ गए? वहीं हैं, वहीं हैं। ये वाली आलू लेते हैं इस बार। टमेटोज, चेरी टमेटो, बेबी कैरेट, सेब के लिए लिखा, फल नहीं था। ये जी ग्रॉसरी हो गई है, अभी कोई फिक्र नहीं है। कहाँ खड़ी की है गाड़ी, मुझे तो याद ही नहीं। अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी सी ठंडी है, ज्यादा नहीं। आज हम लेके आए हैं बैग्स, सारा सामान बैग में डाल के डालेंगे, फिर इजी हो जाता है घर में। एक्स्ट्रा रख लो इसमें, गाड़ी में ही एक्स्ट्रा सारे। सारा सामान लगा दिया है एंड मैंने ना दूध बॉईल करने भी रखा, क्योंकि मुझे जमाना है दही। ये भी बॉईल हो गया, इस बार अच्छे से जमाऊंगी। पिछली बार पता नहीं क्या हुआ था, जम ही नहीं रहा था। सो फिर मुझे एट द एंड उसका पनीर निकालना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो फेंकने का मन नहीं करता। बस अभी डिशेस करती हूँ, किचन में आ गई हूँ, बस काम शुरू कर देती हूँ सारे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल शाम को मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था एंड उसको कंटिन्यू नहीं किया, मुझे ये था कि नेक्स्ट डे करूँगी। सुबह सारे काम किए, परांठा वगैरह खाया, अभी तो सवा चार हो रहे हैं एंड इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। मुझे अभी भी नहीं लग रही है, बट आरव को लग रही है। तो आरव कहता मम्मा मुझे परांठे बना दो,
अब आपके लिए खाना बनाती हूँ। एंड अनाया ने अभी क्या खाया है पता नहीं क्या, देखो छलांगे लगा रही है, अब लगाएगी छलांग, देखना इसको देखना। ए ए अनाया जंप करोगी? मिशन विच मिशन? हाय रेनबो मिशन। पता नहीं इसकी हर चीज का नाम रेनबो होता है। मुझे रेनबो ड्रेस चाहिए, मुझे रेनबो टॉय चाहिए, रेनबो फुटवेयर चाहिए, हर चीज रेनबो है हर चीज। तो बस सुबह हमने मैंने बनाए थे 3 तरह के परांठे, मूली के परांठे, 3 या 4 तरह के मूली के परांठे, आलू और पालक के परांठे, राइस का परांठा एंड बच्चों के लिए नमक और मिर्च का परांठा। सो या एंड अभी मैं बनाती हूँ आरव के लिए परांठा, क्योंकि आरव मेनली परांठा ही खाता है। सो एंड या यू नो आज का टेम्परेचर, आज सूर्य देवता निकले हैं तो वेदर बहुत अच्छा है, बड़ी पॉजिटिविटी सी दिखती है। एंड आज का टेम्परेचर है 0 degree एंड नेक्स्ट वीक टेम्परेचर ऑसम होने वाला है, प्लस में जाएगा, प्लस 14, 15, 17, 19 इस तरह से। सो एंड यस आज है ईस्टर, सो हैप्पी ईस्टर टू एवरीवन जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए बातें ज़्यादा नहीं करती हूँ, खाना बनाना शुरू करती हूँ। घर मेरा पूरा चमक रहा है, चमकता हुआ घर ही मुझे अच्छा लगता है। ऑन करते हैं गैस, ये है चकला, ये है आटा, ये नमक, क्योंकि आरव खाता है नमक वाला परांठा, ये है देसी घी, इसमें ना थोड़ा सा मक्खन रखा है क्योंकि सुबह ना मक्खन के साथ परांठा खाया था, ये है आटा, ये रखते हैं बेलन। और अनाया बस बाहर खाई जा रही है, तवा हो जाए गरम फिर बनाने शुरू करती हूँ, ऐसे तो मज़ा ही नहीं आता। एंड यस आप बताइएगा आपका, आपके दिन कैसे निकल रहे हैं, मतलब गर्मियों की वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मुझे गर्मियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती, बट कनाडा में गर्मियाँ अच्छी लगती हैं क्योंकि यहाँ की गर्मी नॉट बैड, इतनी ज़्यादा गर्मी तो होती भी नहीं है। सो या एंड छुट्टियाँ भी बस ख़त्म, कल कल की छुट्टी रह गई है, परसों को तो स्कूल जाना है। एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा स्कूल जाना, बट फिर वही आदत पड़ जाएगी, है ना। डिशेस लगानी है, डिशेस करनी भी हैं बट अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर के बाद करूँगी। यूजुअली मैं ना डिशेस शाम को ही करती हूँ, जब मैं डिनर प्रिपेयर करने के लिए आती हूँ ना तब करती हूँ। बस ये वाले डिशेस मैं अपनी अपनी जगह पे पहुँचा देती हूँ। ये चाकू इसकी जगह पर, चाय पुनी कप, प्लेट्स लगाती हूँ। चलो चलो भैया के ऊपर चलो। डिशेस मैंने लगा दी हैं, इसको सेट करके रखूँ। अपन आलू लेके आए थे, इनको लगाती हूँ। चलिए जी ये आलू भी लग गए हैं, पुराने ये वाले आलू थे, अभी लाल आलू लेके आए हैं। ये ग्लास किसने रखा यहाँ पे? ये चेयर नाया तुमने रखी होगी, पहले कहती माला पहननी है, अब पहननी नहीं है। उठा लो बेटा प्लीज, उठा लो, फिर पैर में लग जाती हैं, नॉट सेफ। इस डॉगी को भी रखो, ये रिमोट देखो, कार, पेंसिल भी देखी मैंने अभी, ये ढूंढ रहे थे ना पेंसिल, ये वो वाली रेड वाली, उठा लो। आज आज तुमने स्टडी नहीं की है ना, पेज नीचे गिरा, उठाओ उसको भी, 5 बजने वाले हैं, फिर दोबारा से होगी जंप करना शुरू। नो मैंने अभी क्लीन किया, बस रिबिट
वो अपनी अलग से जंप कर रही है, तुम अपना अलग से जंप। अभी मेरे सारे काम डन, अब दोनों खेलेंगे, दोनों ब्रदर सिस्टर। अभी मेरा मन, मेरी ना मेहंदी उतर गई है, अब मेरा मन कर रहा है मेहंदी लगा लूं। थोड़ा थोड़ा इम्प्रेशन है बट लगा लूंगी मैं। तो बस सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। एंड आज मंथ का लास्ट डे है, 31st of March। कल से अप्रैल शुरू। दिन बहुत ना ना, अप्रैल फुल किसी को नहीं बनाना, आपको पता है मुझे मजाक अच्छे नहीं लगते। सो या इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आज का दिन ऐसा रहा, आप बताइए आपका 31st of March कैसा रहा? एंड आपकी छुट्टियां, इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स खुल रहे होंगे 1st अप्रैल को, बहुत सारे 2nd अप्रैल को भी खुलेंगे, तो हमारा 2nd अप्रैल को खुलेगा। बहुत ऐश कर ली है, बहुत इंजॉय कर लिया है, बट टचवुड छुट्टियां बहुत अच्छी गई। मैंने नहीं सोचा था, यू नो, मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया था कि मुझे छुट्टियाँ अच्छी नहीं लगती। छुट्टियाँ तब अच्छी नहीं लगती जब मन ना लगे, बट इस बार आरफ को भी छुट्टियाँ थी एंड अनारा को भी मैंने नहीं भेजा, तो हम सभी ऑलमोस्ट घर पे ही थे, तो बच्चों के साथ मन लग जाता है। एंड मेरे माइंड में बहुत सारे काम थे, जैसे मुझे कपड़े लगाने थे, सर्दियों के कपड़े रखने थे अंदर, अंदर तो क्या मतलब समेटने थे, रूटीन वाले जगह पे जो पड़े होते हैं वो मैंने हटा दी वहाँ से। कबर्ड वगैरह अपना सेट किया, शर्मा जी का, आरव का, नाया का, सबका सब कुछ सेट कर दिया। अब मुझे फिक्र नहीं है एंड मेरे माइंड में है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो जो भी मैंने डोनेट करने थे कपड़े वो कर दिए। अभी एक और बैग निकला है, वो जब जाएंगे तब दे देंगे। तो ऑलमोस्ट सभी काम डन हो गए हैं, तो मैं खुश हूँ। जो जो चीज़ें सोची थी कि छुट्टियों में कर लूँगी वो हो गई हैं। सो थैंक यू गॉड, क्योंकि होता है ना कभी कभी हम जब सोचते हैं चीज़ें नहीं हो पाती, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैंने जो चीज़ प्लान करूँ वो हो जाए। तो वो सभी चीज़ें हो गई हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।